सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग कवर करेंगे तो WNBA का सेकेंड मैच होने वाला है आज का, मिनेसोटा लिंक्स वर्सेस चिकागो स्काई के बीच में। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ मैं वीडियोज़ डालूंगा उसमें आपको स्मॉल लीग के, ग्रैंड लीग के लाइनअप्स और इंजरी न्यूज़, ये सारे डिटेल मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जैसे ही वीडियोस अपलोड करूँगा मैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। गाइस, सेकंड चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको रोहित दैटमैन सर्च करना है, ठीक है। रोहित दैटमैन सर्च करने के बाद आप मेरे जो मेरा चैनल है ड्रीम इलेवन का, आप उसको जुड़ सकते हो। इसका जुड़ने का बेनिफिट यह है कि अगर लाइनअप में जो कुछ चेंजेस आते हैं लास्ट मिनट में या कोई किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है वो सारे अपडेट में मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित दैटमैन पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो सीधा बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट टीम है मिनेसोटा लिंक्स, 77-83 से लास्ट मैच विन करके आई है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टार्टिंग लाइनअप में थी कॉलियर, पावर्स, फॉल्स, मैकब्राइड, क्लैडन, ठीक है। परफॉर्मेंस देखेंगे कॉलियर का, 36 मिनट्स में 14 पॉइंट्स, 10 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 2 ब्लॉक, 2 स्टील्स। बाद में पावर्स 33 मिनट में 27 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट। फॉल्स 32 मिनट्स में 13 रिबाउंड्स, 1 असिस्ट, 2 स्टील्स। मैकब्राइड 32 मिनट में 10.6 रिबाउंड, 1 स्टील। बाद में क्लैडन 16 मिनट्स में 10.6 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में देख सकते हो डेंजरफील्ड 24 मिनट्स में 8.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। क्लैटन 14 मिनट्स में 2.2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 स्टील्स। एचनोवा 13 मिनट 6.1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस देखा मिनेसोटा लिंक्स का। अभी हम लोग बात करेंगे चिकागो स्काई की। देख सकते हो 81-64 से लास्ट मैच विन करके आई है। स्टार्टिंग लाइनअप में थी क्विगली, कैंडिस पार्कर, कटनी वैंडरस्लूट, केहले कूपर, अजूरा स्टीवंस। देख सकते हैं एली क्विगली का परफॉर्मेंस 34 मिनट्स में 15 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट। कैंडिस पार्कर 33 मिनट्स में 11 पॉइंट्स, 15 रिबाउंड, 7 असिस्ट, 3 स्टील्स। कटनी वैंडरस्लूट 33 मिनट में 17 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 6 असिस्ट। केहले कूपर 31 मिनट 23 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में अजूरा स्टीवन 17 मिनट 6.6 रिबाउंड, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। स्टेफनी डोल्सन 22 मिनट में 2.7 रिबाउंड, 1 ब्लॉक। डायमंड डिशील 14 मिनट्स 4 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट। ए एंडोर 7 मिनट्स में 1 रिबाउंड, 1 ब्लॉक। बाद में है डायना एवंस 7 मिनट्स में 3 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड्स। बाद में ब्राउन 1 मिनट में अपने टीम के लिए तो उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो दोनों टीमों के हम लोगों ने स्टैट्स के बारे में देख लिया है। सीधा हम लोग बात करेंगे जो प्रोबेबल कॉम्बिनेशन होगा ये मैच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट गार्ड सीजन से मैंने पिक किया है मैकब्राइड को, ठीक है। क्लैडन का गाइज GTD दिखा रहे हैं, मतलब गेम टाइम डिसीजन मैच से आपको 10-15 मिनट उसके रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी अगर वो खेल रही है या नहीं। तो टेलीग्राम को जुड़ना ज़रूरी है, रोहित दैटमैन सर्च करके फाइनल अपडेट आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया क्विगली को, स्टार्ट करेंगी। कार्लेडन को क्रेड मैनेज करने के लिए पिक किया है जो बेंच से खेलेगी। बाद में SF सेक्शन से मैंने पिक किया कूपर को, पावर्स को। कोलियर्स गाइस बेस्ट प्लेयर है अपनी टीम की, अगर आप चाहे तो पिक कर सकते हो, कि क्योंकि फॉल्स और कोलियर के बीच में आप किसी एक को ही पिक कर सकते हो, क्योंकि दोनों का क्रेडिट हाई है 18.5 फॉर कोलियर एंड फॉल्स का देख सकते हो 20 क्रेडिट्स। तो दोनों को किसी एक को ही आप पिक कर सकते हो यहाँ से। SF सेक्शन से जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कूपर और पावर्स के साथ में गए हो, अगर आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो कोलियर को अपने टीम में रख सकते हो। PF सेक्शन से मैंने पिक किया कैंडिस पार्कर आज के मैच के लिए, SPB के लिए सबसे बेस्ट चॉइस। बाद में एन एचनोवा को क्रेडिट सेविंग के लिए मैंने पिक किया, एंडोर डंटा सेरिया ने सीधा आप इनको इग्नोर कर देना, ठीक है। सेंटर से मैंने बाद में पिक किया फॉल्स को, 20 क्रेडिट की प्लेयर है गाइज। स्टीवन स्टार्ट करेगी यहाँ पे, डोल्सन बेंच से खेलेगी, तो ये दोनों प्लेयर को आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो ले सकते हो। तो ये टीम का प्रीव्यू देखते हैं, SP के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है कैंडिस पार्कर और PP रहेगी एस फॉल। तो ये सबसे सेफ कॉम्बिनेशन है। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो मैं कोलियर के साथ बनाया हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल रोहित दैटमैन पे मैच से पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो रोहित दैटमैन टेलीग्राम चैनल को जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये सेफ कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्लैडन का न्यूज़ अगर आया तो इसके न्यूज़ के बाद मैं मेरा फाइनल टीम आपको विथ कोलियर, जो मैं मोस्ट प्रोबली 99.99% मैं इसको मेरे टीम में लेने वाला हूँ, उसके साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेफ जाना है कॉमन टीम के साथ जाना है तो ये सेफ और कॉमन टीम है आज के मैच के लिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया SP का पिक रहेगा पाकर, PP रहेगी फॉल्स। तो
प्रोबेबल टीम ये रहेगी आफ्टर लाइनअप, जो कुछ चेंजेस होते हैं वो फाइनल टीम के साथ रोहित डेटमैन पे मेरे चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा रिस्क लेके जाऊँगा ये मैच में, तो मेरी फाइनल टीम आपको मेरे रोहित डेटमैन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।